कई बार हमें अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करना होता है। जब हम कोई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं या यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं तो हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करना होता है, और ऐसे में हमें पता नहीं होता है कौन सा बढ़िया स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। सो आज मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लैपटॉप के या कंप्यूटर के स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करेंगे। तो सो आज मैं हूँ इंजीनियर राजा, और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो यूट्यूब वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। Shut up and sit down. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे ओपन हो सकते हैं। ये जो है इरेजस कंपनी का बहुत ही पुराना ये जो है वेबसाइट है, ये काफ़ी पुरानी और ट्रस्टेड कंपनी है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, यहाँ पे आप किसी पार्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करके उसको आप सेव भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑडियो और वीडियो को दोनों को आप एक साथ रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ आपके कंप्यूटर में आपको वेबकैम लगा हुआ है तो उसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। नीचे आइए, यहाँ पे आप जो गेम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे टास्क शेड्यूल भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसके अलावा यहाँ पर एडवांस एडिटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल फॉर्मेट मिल जाएंगे, यहाँ पे MP4, EM, WMV, AVI, MOV, FLV और ASF ETC। वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद आप इतने फॉर्मेट में आप इसको सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आप सेव करने के बाद यहाँ पे यूट्यूब के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपके वीडियो में बैकग्राउंड में कोई नॉइस है, मतलब कोई जैसा शब्द है जो कोई बोलता है या कोई गाड़ी घोड़ा का आवाज़ होता है तो वो बैकग्राउंड में होता है, तो वो आपको यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के आपको दो वर्जन मिलते हैं, यहाँ से आप इसको बाय भी कर सकते हैं और या आप यहाँ से फ्री ट्रायल भी कर सकते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करके इस पे आप इसको बाय भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे $69.5 आपको देने पड़ेंगे। अगर 1 ईयर के लेते हैं तो यहाँ पर 39 और 1 मंथ के लेते हैं तो $19 आपको देने पड़ेंगे। अगर आप लाइफ टाइम के लिए लेते हैं तो आपको यहाँ लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर फ्री अपग्रेड अब यहाँ पर आपको मिलती रहेगी, लेकिन अगर आप चाहे तो इसके फ्री ट्रायल भी आप इसको यूज कर सकते हैं। फ्री ट्रायल पर क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर लेंगे कि 1.4 MB का है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड हो गई है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से इसको ओके करेंगे, ओके करने के बाद यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे लाइसेंस के लिए हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से आप अपना जो पाथ चूज कर लेंगे, इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं सिंपली यहाँ से चूज करके नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ये पहले वाला ऑप्शन को रहने देना है, इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है, ये इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गया है। इसके बाद यहाँ से इसको फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इसका आइकन मिल जाएगा, इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ गो इट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद फिर से गो इट पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे गो इट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है रिकॉर्ड स्क्रीन, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड स्क्रीन का है ऑप्शन मिल जाता है, रिकॉर्ड ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है, रिकॉर्ड वेबकैम का और रिकॉर्ड गेम का। तो यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि हम पूरे स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करें अपने लैपटॉप में तो यहाँ रिकॉर्ड स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको चूज कर लेना है कि आपको फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है या सेलेक्टेड पार्ट को आपको जो है उसको करना है या फिक्स रीजन को करना है। तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे फिक्स रीजन पे यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है फुल स्क्रीन का। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूट्यूब के लिए 1280x720 HD का, और यहाँ पे जो है 480 पिक्सल का भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे लो विंडो का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, या तो ये आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट पे आपको कुछ इस तरीके से इसका ऑप्शन मिल जाता है, जितना एरिया को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इतना एरिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे यहाँ आपको इतना एरिया करना है तो इस तरीके से जितना भी करना है इस तरीके से इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं। इस तरीके से जितना भी एरिया को आपको करना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इस तरीके से आप इसको घटा बढ़ा के स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे इस तरीके से आप घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई पार्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करना है तो इसी तरीके से आप इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताया इस तरीके से आप कर सकते हैं।
तो अब जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया हूँ कि अगर आपको फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो फिक्स रीजन पर जाएंगे, यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये पूरा स्क्रीन पे यहाँ पर देखिए अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन जो यहाँ पे मिल जाता है सिस्टम एंड माइक का, तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जो चाहते हैं साउंड सिर्फ अपने लैपटॉप का साउंड, तो यहाँ सिस्टम साउंड पे क्लिक कर देंगे, या आप चाहते हैं सिर्फ माइक्रोफोन का साउंड हो तो इस तरीके से आपको माइक्रोफोन पे आपको कर देना, सिर्फ माइक्रोफोन पे आपका साउंड रहेगा, या आप चाहते हैं कि सिस्टम साउंड एंड माइक्रोफोन दोनों में हो तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो आपको जो सिस्टम है उसमें भी जो आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसका भी आवाज़ रहेगा, और माइक पर आप बोलेंगे उसका दोनों का आपका आवाज़ रहेगा। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है रिकॉर्ड विदाउट ऑडियो का, इस पर क्लिक करने का तो आपको विदाउट ऑडियो ऑडियो का यहाँ पर ऑप्शन आपको आ जाता है। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे आपका वेबकैम, वेबकैम को यहाँ पे आपको जो आपके कैम लैपटॉप के साथ या आपके सिस्टम के साथ आपको कोई भी वेबकैम लगा हुआ है तो वो आपको यहाँ पे आ जाएगा, अगर आपके रिकॉर्डिंग विदाउट वेबकैम है तो आपको इसी पे क्लिक रहने देना है। अगर आप ये जो रिकॉर्ड विदाउट वेबकैम है इसको रखेंगे तो आपको जो है आपके सिस्टम के साथ वेबकैम भी आपका रिकॉर्ड होगा। यहाँ ऊपर में आपको एक सेटिंग आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आप जो वीडियो को रिकॉर्डिंग करके आप कहाँ रखना चाहते हैं वो आपको इसमें से चूज कर लेना है। तो इसके लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जहाँ भी आप रखना चाहते हैं जो रिकॉर्डिंग करके वीडियो को, वो पाथ आपको इसमें से आपको चूज कर लेना है कहाँ रखना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि आउटपुट फॉर्मेट, यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, MP4, WMV, AVI, MOV, आप जिस भी फॉर्मेट में अपने वीडियो को रखना चाहते हैं उसमें से आपको चूज कर लेना है। जैसे हम MP4 में रखना चाहते हैं तो हम इसको MP4 ही चूज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको फ्रेम रेट यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद चलिए मैं यहाँ पे 30 चूज कर लेता हूँ। इसके बाद ऑडियो में आपको क्या रखना है वो आपको इसमें से चूज कर लेना है, आप क्या रखना चाहते हैं। इसके बाद ब्राइटनेस आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि आउटपुट फॉर्मेट आप JPEG रखना चाहते हैं या PNG या GIF, ये बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, वो आपको इसमें से चूज कर लेना। चलिए हम JPEG ही रहने देते हैं। तो आपको यहाँ से अपना जो है बिट रेट, फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फॉर्मेट इस तरीके से टोटल चूज करने के बाद यहाँ से आप ओके कर देंगे, ये पूरा आपका सेट हो जाएगा। जस्ट आपको जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको क्या करना है, यह रिकॉर्ड वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आप फ्री ट्रायल में यहाँ पर 2 मिनट तक ही इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर 2 मिनट से आप ज़्यादा रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो फिर आपको इसको बाय करना पड़ेगा। यहाँ एवेल्युएट वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और ये आपका जो देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी आपको स्टार्ट हो चुका है। अब जो भी आप गतिविधि कीजिए वो सारे के सारे रिकॉर्ड होगा, जैसे यहाँ पर हम कुछ भी गतिविधि यहाँ पर कर रहे हैं तो वो सारे के सारे जो यहाँ पर रिकॉर्ड होता रहेगा। तो आपको इसी तरीके से आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगा। मैं यहाँ पर फुल किया हूँ तो ये मेरे पूरे लैपटॉप में यहाँ पर जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो आपको इसी तरीके से आपको इससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना है। जब आपका रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका जो आ गया है, रिकॉर्डिंग को पॉज करने के लिए आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए रिकॉर्डिंग यहाँ पे रुक गई है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पॉज कर दिया हूँ, अगर स्टॉप करना है तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप करते ही देखिए यहाँ पे जो है मैं जो भी रिकॉर्डिंग किया हूँ वो यहाँ पे आ गया है। जैसे अब आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कंप्लीट कर लिए तो यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन नीचे में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ देखिए प्रीव्यू, यहाँ इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल जाता है कंप्रेस का, यहाँ पे आपको एडिट का, यहाँ पे शेयर का और यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे है ओपन फोल्डर, यहाँ पे अपना फोल्डर में भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो आपको अपना प्रीव्यू देखने के लिए सिंपली यहाँ प्रीव्यू वाले पे ओके करेंगे और यहाँ पे ओके करके देख सकते हैं कि आप कैसे रिकॉर्डिंग किए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जो भी रिकॉर्डिंग किए हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी रिकॉर्डिंग किए हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, इसको आप प्ले करके देख सकते हैं। तो आपको इसी तरीके से आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगा। मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन चूज किया हूँ तो ये मेरे पूरे। इसके बाद ऑप्शन है यहाँ एडिट का, यहीं भी यहाँ पर आप अपने स्क्रीन के रिकॉर्डिंग को एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एडिट पर जाएंगे और इस तरीके से ओके करेंगे। ओके करते यहाँ पर देखिए एडिट का ऑप्शन आ चुका है। इस तरीके से आप अपना जो भी वीडियो है उसको इस तरीके से आगे पीछे इस तरीके से घसका के इस तरीके से आपको एडिट कर लेना है। जितना भी आप एडिट करना चाहते हैं वीडियो को इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो जितना आप अपने वीडियो को यहाँ से ट्रिम करना चाहते हैं इस तरीके से आप ट्रिम कर सकते हैं। आप अपने वीडियो में अगर इंट्रो डालना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ जो है इंट्रो वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपने जो टाइटल क्या डालना चाहते हैं वो टाइटल यहाँ पे आप डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इंजीनियर राजा।
इस तरीके से आपको यहाँ पे टाइटल डाल देना है। यहाँ पे सब टाइटल में जो भी रखना चाहते हैं इस तरीके से यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे टाइप सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि जूम, इस तरीके से यहाँ पे आप जूम भी डाल सकते हैं या आपको जो सब टाइटल अच्छा लगे वो यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका फ्रंट आ जाता है। फ्रंट आपको क्या रखना है वो यहाँ पे एरो पर जाएंगे और अपना फ्रंट इसमें से आप चूज कर लेंगे। इसके बाद सब कुछ अगर परफेक्टली हो जाता है तो सिंपली यहाँ से ओके कर देंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसका एडवांस एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडवांस एडिटिंग पर क्लिक करके इसका एडवांस एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप एडवांस एडिटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको एडवांस एडिटिंग नहीं करना आता है तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा जहाँ से आप एडवांस एडिटिंग भी कर सकते हैं बहुत ही आराम से, तो मैं इस पर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ यहाँ से बहुत ही परफेक्टली तरीक़ा से यहाँ पर एडिट हो चुका है तो आपको सिंपली यहाँ एक्सपर्ट वाले पर जाके इसको एक्सपर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद सिंपली इसे यहां से कट करेंगे, इससे बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद यहां से आपको यहां से इसको ओके करके बाहर आ जाएंगे। इसके बाद यहां जाएंगे अपने जो डेस्कटॉप है उस पर जाएंगे, इस बार सी ड्राइव को ओपन करेंगे। सी ड्राइव में यहां पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, यहां यूजर का यूर पे जाएंगे, यहां पे मेरा नाम है और यहां पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट वाले पे ओके करेंगे। इसके बार यहां इरेजर्स का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर ओके करेंगे। रिक्स एक्सपोर्टिंग का आप इस पर ओके कर देना है। इस पर ओके करते यहां पे आपको यहां पे देखिए कि आप जो भी एक्सपोर्ट किए हुए हैं वो यहां पे आके डाउनलोड होकर यहां पे सेव है। सो गाइज, इसी तरीके से आप अपने लैपटॉप के स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो गाइज, अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं आप सबके लिए ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के लाते रहता हूँ।